हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अजीब लाइफ है अपनी, ना दिन को चैन है ना रात को। अरे जब जाना था तो अलार्म लगा के सो जाता, मेरी रात क्यों काली करी? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। साहब उठो, साहब 4:30 बज गए। साहब साहब क्या है? साहब आपको सुबह जाना था तो मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ, 4:30 बज गए। अरे भाई जाना तो था पर अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सॉरी। हाँ ये दे। जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? सारी रात मैंने जाग जाग कर काटी। कमरा नंबर 104 में से खून आ रहा है। 104? हाँ जी, आइए। ये देखिए जी, किसी को अंदर जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, आपने मना कर दिया था इसलिए मैंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। इस फ्लोर में जितने गेस्ट ठहरे हुए हैं और तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया ना? हाँ सर, सबको मैंने लॉबी में इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, आप भी वहीं पे जाइए, किसी को जाने मत देना। चाबी दीजिए। माय गॉड, सर पे चोट लगी है, घाव काफी गहरा है। तो बॉडी पलटते जरा। ये क्या है, इतने सारे घाव? घाव तो चाकू के लगते हैं। माय गॉड, ये देखो तो गोली भी मारी गई है इसे। इसके बॉडी में कहीं भी एग्जिट वुंड नहीं है, गोली अभी भी शरीर में है। सर पानी का जग मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, ये देखिए। हो सकता है इसी जग से इसके सिर पे वार किया गया हो। सर आगे, सर ये देखिए सर, हाथों के निशान दीवार के अलावा छत पे भी है सर। ऐसा लगता है निशान जानबूझ के बनाए गए। कैसे बन गए? ये देखा, पंखे का ब्लेड भी टेढ़ा हो गया। हुआ क्या यहाँ पे? सर चाकू मिला सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ था और इस पे भी खून लगा हुआ है सर। सर क्या? सर ये देखिए, ये निशान कैसा है? ऐसा लगता है कोई पुराना गोली का घाव है। पहले भी गोली लग चुकी है इसे, उस बार बच गया था, इस बार मारा गया। अभिजीत, गोली मारी गई, चाकू मारा गया इसे, सर पे जग से मारा गया। लगता नहीं ये किसी एक आदमी का काम होगा। कम से कम 3-4 लोगों का काम है सर। एक काम करते हैं, ये जो मेहमान है होटल में, यहाँ के जो स्टाफ है, सबसे पूछताछ करके देखो। अगर 3-4 लोग यहाँ पर आए हैं तो देखा होगा किसी ने। कितनी देर से बैठे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या मजाक बना रखा है। और क्या भी, हम लोग चलिए, आप सब लोग यहाँ लाइन में खड़े हो जाइए, आइए। आप लोगों में से सबसे पहले दरवाजे के बाहर खून किसने देखा? सर मैंने। तुमने? कितने बजे थे उस वक्त? सर 4:30 बजे। 4:30 बजे क्या करने गए थे तुम कमरे में? किसी गेस्ट को उठाने गया था सर। जब तुम आ गए तो
तुमने सिर्फ खून देखा या किसी को भागते हुए देखा वहां से? सर सिर्फ खून ही देखा था सर। गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? कमाल है सर, गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई है। कमरे का सारा सामान उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है और आप में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी है? सर वाकई में मैंने कोई आवाज नहीं सुनी सर, मुझे तो तब पता चला जब ये चिल्लाया सर। सबके सब बहाने बना रहे सर, सबके सब, खून इन्हीं में से किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर, हम लोग खून क्यों करेंगे, हम तो उसको जानते भी नहीं है, आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। पता लगा लेंगे, होटल के गेस्ट और स्टाफ को मिला के कितने लोग हैं यहाँ पे? सर 10 आदमी, मुझे मिलाकर 11। तुम कहाँ पे थे? तो मैं अपने रिसेप्शन पर था, अचानक चीखने की आवाज सुनी और मैं भागकर चला गया। सर मैं रात में बाथरूम जाने के लिए उठा था, तभी कुछ सामान गिरने की आवाज तो सुनी थी लेकिन गोली चलने की नहीं। तो फिर तुमने इसके बारे में किसी को बताया क्यों? सर मुझे लगा होटल में कुछ काम वगैरह चल रहा होगा और वैसे भी मैं नींद में था। ये सामान गिरने की आवाज कितने बजे आई थी? सर मैं सही समय तो नहीं बता सकता लेकिन लगभग 3:30 बज रहे होंगे। सर रात को 3:30 बजे कुछ गुंडे होटल में घुसे और उन्होंने इन सब की नाक के नीचे से एक आदमी का खून कर दिया, मगर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वो खूनी यही है इसी होटल में? इस होटल से कोई चेकआउट करके तो नहीं गया ना कल रात से? नहीं। ठीक है, इस होटल की गेस्ट लिस्ट चाहिए मुझे और जो आदमी मरा हुआ है उसके सारे डिटेल्स चाहिए, कौन है वो आदमी, कहां से आया था और कितने दिन ठहरने वाला था इस होटल में। ठीक है। और हाँ, होटल से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। अभिजीत, इस आदमी का खून करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनमें से एक ने सामान के गिरने की आवाज सुनी थी। सामान के गिरने की आवाज? हाँ सर, लेकिन गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। शायद साइलेंसर लगाया होगा गन पे, क्योंकि मरा तो ये गोली लगने की वजह से ही है। इसका नाम पता वगैरह कुछ पता चला? सर ये रही इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी, इसका नाम राहुल था। राहुल कब से रह रहे थे यहाँ पे? 15 दिन से था। कहाँ का रहने वाला था ये? सर एड्रेस तो यहाँ का दिया था लेकिन मुंबई का था। मुंबई में रहने वाला आदमी होटल में क्यों ठहरा हुआ था? और सर ये पिनियन ग्रुप कंपनी का मालिक भी था। पिनियन ग्रुप का मालिक, बड़ा आदमी यहाँ ऐसे होटल में ठहरा था, कुछ गड़बड़ है मामला। अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी किसी से छुपता फिर रहा? हो सकता है। कोई मिलने आता था उसे यहाँ पे? नहीं सर कोई मिलने नहीं आता था। किसी से कोई नोक झोंक हुई हो यहाँ पे? नोक झोंक किससे होगी, वो तो कमरे से बाहर नहीं आता था। ठीक है अभी आप जाइए, आपसे बाद में बात करते हैं। ओ सर थैंक यू। पीनियन ग्रुप का मालिक, सर इसके ऑफिस में जाके पता करो क्या परेशानी थी, यहाँ पे क्यों रुका हुआ था। ठीक है सर। अबे सर ये सारे हाथों के निशान अजीब दिख रहे हैं सर, आम आदमी के हाथों पे ऐसी रेखाएं और ऐसी उंगलियां नहीं होती, ये कुछ अलग तरह का हाथ है सर। फोन करो साड़ों के साहब को, वही बताएंगे कैसे हाथ है ये। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, सर क्यों हिला रहे हैं, आपको भी पता नहीं चला ये निशान किसके हैं? पता चल गया अभिजीत। अरे तो फिर सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए ना। बस तुम्हारा शक एकदम सही था, ये पंजे का निशान एक जानवर का है। जानवर के हैं? डॉक्टर साहब कहीं आप किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की बात तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली विवेक, ये निशान एक चिंपैंजी के हाथ का है। माय गॉड, तो खूनी है चिंपैंजी है। और सर शायद इसीलिए पंजों के निशान छत की तरफ जा रहे हैं। हाँ खून करने के बाद उसके हाथों पे खून लग गया होगा तो भागने के लिए यहाँ कबर्ड से चढ़ा और इस तरफ यहाँ से ने बाहर निकला होगा। बिल्कुल, ये देखो ये चिंपैंजी ऊपर से गया और वो पंखे से भी झूला होगा, ये देखो पंखे की ब्लेड कैसे टेढ़ी हो गई। तो सर ये
चिंपैंजी इस कमरे के अंदर आया तो आया कैसे, और किसी ने उसे आते हुए देखा क्यों नहीं? वही तो, जब हम यहाँ आए थे तो कमरा अंदर से बंद था। इसका मतलब है खिड़की। यहाँ तो कोई पंजे का निशान है नहीं, ना आने के ना जाने के। जाते समय तो ब्लड लगा था ना उसके हाथ पे, कहीं खून के निशान भी नहीं दिख रहे। कहीं बाथरूम से तो नहीं? यहां तो आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो आया कहां से फिर? सर एक और बात, खून होते वक्त राहुल सोया तो नहीं होगा, नहीं तो बेड के ऊपर हमें खून की छींटे जरूर मिलती। हो सकता है वो उस वक्त बाथरूम में होगा, जैसे ही बाथरूम से आया चिंपांजी ने उस पर हमला कर दिया और उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला होगा। ये चिंपांजी यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। ठीक कह रहे हो जी। अरे डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? यहीं हूँ यार। यहाँ कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ, यहाँ बेड के नीचे। बेड के नीचे? अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ यार। इन्वेस्टिगेशन आप? अरे डॉक्टर साहब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हमारी नौकरी तो गई खतरे में। अरे नहीं यार, तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या क्या मिला आपको? बॉस वो चिंपैंजी यहाँ छुप के बैठा हुआ था इस बेड के नीचे, ये देखो यहाँ पर उसका पसीना लगा हुआ है। इसका मतलब इसे अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे कब कैसे और किसको मारना है। ये कोई ऑर्डिनरी चिंपांजी नहीं है, ये ट्रेन चिंपांजी है। इसे ट्रेन किया गया है खून करने के लिए। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके। हेलो सर, मैं राहुल जी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ सिमी, कहिए क्या काम है? सिमी जी, हम लोग सीआईडी से हैं और राहुल जी के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। व्हाट, राहुल सर का खून हो गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ सिमी जी, राहुल जी का खून हो चुका है। क्या बात है ऑफिसर, आप लोग क्यों एक जीते जाते आदमी को मार रहे हैं? आप कौन? जी मैं वही हूँ जिसकी मौत की खबर लेकर आप लोग यहाँ आए। आप राहुल जी हैं? जी हाँ। अगर आप राहुल हैं तो फिर वो लाश किसकी है जो हमें होटल अप्सरा में मिली? मेरी लाश? जी हाँ, वो राहुल के नाम से उस होटल में ठहरा था और खुद को पिनियन ग्रुप का मालिक बता रहा था। व्हाट रविश, ये कैसा पागल बने हो? भला कोई मेरे नाम से उस होटल में क्यों ठहरेगा? ये है वो आदमी। क्या हुआ? देखकर ये आपके सांस उखड़ने क्यों लगी? नहीं ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कभी किसी लाश की फोटो नहीं देखी। इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं ऑफिसर। वैसे इसका खून किसने किया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हम लोग कि इसका खून किसने किया है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह आदमी आपकी पहचान लेके होटल में क्यों ठहरा हुआ था। ऑफिसर मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ कि आखिर ये कौन है और मुझे बदनाम क्यों करना चाहता है? कौन कर सकता है ये? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता ऑफिसर, आप लोग पता कीजिए ना। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे कुछ जरूरी काम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सिमी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू ऑफिसर। ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे,
मैं तो कहता हूँ राहुल जी जानते उस आदमी को, किसी वजह से बता नहीं रहे और उसी वजह से खून हो गया उस आदमी का। वो कैसे सर? राहुल का कोई दुश्मन होगा जिसने उस आदमी को राहुल समझ के मार दिया। देखो जो कुछ भी मालूम है बता दो, घबराओ मत। सर उनकी जान के दुश्मन तो बहुत हैं। कौन कौन लोग हैं? वही सब लोग जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन पर पैसे डुबोने का इल्जाम लगाया था। और सर यही नहीं, अभी 10 दिन पहले राहुल जी पर जानलेवा हमला भी हुआ था। नाम क्या उसका? गोविंद, टीकू वाली पुलिस स्टेशन में बंद है। रेडी, जरा पता करो इस गोविंद के बारे में। अच्छा सिमी, ऐसे हमले पहले भी हुए हैं राहुल जी के ऊपर? जी नहीं सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सिमी जानकारी देने के लिए। फिर मुलाकात होगी, अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा जब तक तो खूनी पकड़ा नहीं जाता। सर ये गोविंद कली दोपहर को 2:30 बजे जमानत पे रिहा हुआ है। सर वो घर पे नहीं है सर, मैंने अपने खबरियों को बता दिया है, जैसे ही उन्हें गोविंद के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ? अरे लेकिन हुआ क्या भाई? अरे कौन है आप लोग? साहब मुझे क्यों उठा लाए साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़ लाए साहब? राहुल का खून क्यों किया तुमने? राहुल का खून हो गया? ये तो हंस रहा है। खून करके हंस रहा है तुम? बेवकूफ आदमी, जिस आदमी को राहुल समझ के तुम मार के आया है तो कोई और था, क्यों मारा उसे? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हाँ मैंने एक बार कोशिश जरूर की थी साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था साहब। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा था साहब। तुम मारना क्यों चाहते थे? मैंने उसकी कंपनी में पैसे लगाए थे साहब, वो धोखेबाज आदमी था साहब, उसने मेरे पूरे पैसे हड़प लिए साहब, मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया, मैं बर्बाद हो गया साहब, मैं कहीं का नहीं था साहब। कल कहाँ पर थे तुम? साहब मैं अपने दोस्त के साथ था साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फोन से पूछ लीजिए साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ ठीक है ये रोना बंद करो, अभी ध्यान रखो, इस पते पे कल पहुँच जाना, नौकरी मिल जाएगी। अरे बेहतर रखो, ऑटो लो के सीधा घर पे जाना बच्चे के पास, समझा? जी साहब, धन्यवाद साहब। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? अरे यार क्या बताऊं अभिजीत, क्या पता चला, बहुत गड़बड़ हो गई बस। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ क्या? पहली बार जिंदगी में मेरा इन्वेस्टिगेशन गलत हो गया। गलत हो गया? अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। अरे यार वो पसीना मिला था ना हमें बैठ के नीचे। हाँ वो चिंपैंजी का पसीना? नहीं नहीं, लैब में आकर के उस पसीने का एनालिसिस किया तो पता चला वो पसीना तो चिंपैंजी का है ही नहीं। चिंपैंजी का नहीं है? नहीं। अरे तो फिर किसका है? वो पसीना तो एक आदमी का है। आदमी का? हाँ, मतलब वहाँ पे चिंपैंजी नहीं आदमी था? नहीं नहीं, वहां पर चिंपैंजी के साथ एक आदमी था, उसका पसीना है। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। हाँ, नहीं तो हम लोग तो चिंपैंजी के पीछे पड़े रहते और ये खूनी खुलेआम घूमता रहता। अच्छा ये इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं बॉस, उसकी फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस चल रहा है, अगर हमारे डाटा में होगा तो मैच हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है? जरा लाइट ऑफ करो सर। लाइट ऑफ करो। ये देखो बस, ये स्क्रीन पे ये गोली देख रहे हो, ये गोली हमें इस आदमी के शरीर में से मिली है, और इस गोली पर ये जो खास किस्म के निशान बने हुए हैं ये उस गन के निशान हैं जिस गन से ये गोली चली। अब हम हमारे रिकॉर्ड में चेक करेंगे, पिछले 10 साल में जितनी भी गोलियां हमें मिली हैं उसमें से किस किस गोली पर इस तरीके के निशान हैं, उसी से पता चलेगा ये गन पहले भी कभी इस्तेमाल की गई है क्या, और अगर इस्तेमाल हुई है तो कब और किस पर। ओके तारीखा जरा चेक कर। पर सर इस कैलिबर यानी .32 की तो हजारों गन होंगी, तो पता कैसे चलेगा? निखिल, कोई भी गन से चली हुई हर गोली पर एक जैसे ही निशान होते हैं, इसलिए गन का पता लगाया जा सकता है। देखो जरा, देखो
मैच हो गया। वेरी गुड। मतलब जिस गन से ये गोली चली है वो अपने रिकॉर्ड में है। जरा इसकी डिटेल्स निकालो तारिका। अरे ये तो यही आदमी है जिसकी लाश हमें अप्सरा होटल से मिली थी। मगर ये आदमी राहुल बन के अप्सरा होटल में क्यों ठहरा था? ऑफिसर, आप लोगों ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे यहां बुलाया क्यों। मिस्टर राहुल, आपको पूछताछ करने के लिए यहां बुलाया गया है। पूछताछ करने के लिए? देखिए ऑफिसर, मैं जो भी जानता था मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, और आप लोगों ने मेरी सेक्रेटरी से भी सब कुछ पूछ लिया है, तो फिर अब पूछने के लिए बचा क्या है? बचा है, अभी भी बहुत कुछ बचा है मिस्टर राहुल, पूछताछ करने के लिए। हाँ फिर सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। किसका नाम है? मिस्टर राहुल, आपका कोई बॉडीगार्ड भी है क्या? जी हाँ, दिंगारा नाम है उसका, काफी ईमानदार और साहसी आदमी। साहसी तो होगा, वरना देर रात सन्नाटे में बिना किसी को बताए अप्सरा होटल में कैसे पहुंच जाता? क्या, अप्सरा होटल में दिंगारा गया था? जी हाँ, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हमें उस कमरे में से जहां पे खून हुआ है। नहीं ऑफिसर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मिस्टर राहुल, ऐसा ही हुआ है। देखिए ऑफिसर, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको तो बहुत कुछ पता नहीं है मिस्टर राहुल, आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि ये डिंगारा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेके लोगों का खून करता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मिस्टर राहुल, इस शराफत का चोला उतार फेंकिए, समझे आप? ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं है, खून ही पाल के रखा है आपने, जब जरूरत हुई लोगों का खून करवा दिया। नहीं नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो एक खूनी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कैसे काम पे रखता ऑफिसर। जब जब आदमी फंस जाता है ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं एकदम सच कह रहा हूं। ठीक है, यकीन कर लिया, अभी आप जाइए, लेकिन शहर के बाहर कदम मत रखिएगा। ओके विवेक, राहुल साहब को बाहर छोड़ के चलिए, उठिए। डिंगारा, ये डिंगारा भी है कहां पे? सर हमने उसके घर में पता किया, वो कहीं भी नहीं है। होगा भी कैसे, ऐसे लोग खून करने के बाद भाग जाते हैं, कई बार तो देश छोड़ के चले जाते हैं। एक काम करो, जितने भी ट्रेवल एजेंट हैं और ये नकली पासपोर्ट बनाने वाले हैं ना, सबसे पूछताछ करो, किसी ना किसी से तो कांटेक्ट किया ही होगा इसने। कौन है आप? बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? क्या है, क्या क्या चल रहा है? जी साहब। जाली पासपोर्ट बनाता है? नहीं नहीं साहब। इंगारा को जानता है तुम? मैं नहीं जानता साहब। नहीं जानता? हाँ मुझे नहीं मालूम, इंगारा इसका पासपोर्ट है। इंगारा कहाँ है? इंगारा मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम? नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगा? बोल, सच बोलता है या उड़ा दूं तेरी खोपड़ी? इतने टुकड़े होंगे ना खोपड़ी के कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। मालूम नहीं साहब। बोल, बताता हूँ, बताता हूँ सब, बताता हूँ साहब, ये आदमी आज यहाँ आने वाला साहब। कितने बजे? आ गया साहब। जाके दरवाजा खोल और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं। इतनी देर क्योंकि दरवाजा खोलने में? अरे काम कर रहा था ना। पक्का? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे गड़बड़ क्या हो सकती है, आओ थोड़ा पासपोर्ट रेडी है। ये ले अपना पैसा।
और पासपोर्ट दे। तेरी पासपोर्ट के साथ साथ मैंने टिकट का इंतजाम भी कर दिया है। सीआईडी को बुलाकर धोखा किया ना तुमने मेरे साथ? तेरे हथकड़ी पहना इसके हाथ में, एक हथकड़ी अपने हाथ में डाल और दूसरी इसके। साहब मैं क्यों पहनूं? एक तो उल्टे सीधे काम करता है और फिर कहता मैं क्यों, चल पहना। अरे अरे साहब मुझे क्यों आ रहा है? बच के जाएगा का? पेट्रोल रूम। 15 दिन से वो आदमी यहाँ पे ठहरा हुआ था और परसों ही उसका खून हो गया। इसका मतलब खूनी को हाल ही में पता चला होगा उसके बारे में कि वो यहाँ पे ठहरा हुआ था। हाँ फ्रेडी, जैसे खूनी को पता चला कि वो आदमी यहाँ इस होटल में ठहरा हुआ है, बिना किसी डर के यहाँ होटल में आके उसका खून कर दिया। सर अनिकल। सर ये देखिए, इस नंबर पे बार बार फोन किया गया है। पता क्या कहाँ का नंबर है ये? सर ये वही पीनियन ग्रुप का नंबर है सर। पीनियन ग्रुप, राहुल की कंपनी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए थे? हाँ विवेक, जब हमने राहुल को उस लाश की फोटो दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इस सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए गए हैं। इस राहुल ने हमसे झूठ क्यों बोला? राहुल को फिर से मिलता है। राहुल ना ऑफिस में है ना घर में। गया तो गया कहाँ? ढूंढो जरा का, देखो कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे कुछ हुआ है? लगता तो है। छुपा कर रखी गई है एक गोली चली है इसमें से। और कहीं सूरज को इसी गन से तो गोली नहीं मारी गई है? हो सकता है, .32 कैलिबर की गन है ये, उसी गन से मारा था सूरज भी। सर आप रेडी? घोड़े बेच के सो रहा है। उठा से। राहुल जी उठिए, सोने का वक्त खत्म हो चुका है। राहुल जी, राहुल जी। सर ये तो उठ ही नहीं रहा। चलो निकालो। एवर एवर वट इसे तो गोली मारी है सर, ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक खून होते जा रहे। सर डिंगारा का फोन। हेलो डिंगारा। हेलो राहुल सर। हाँ बोल रहा हूँ। सर आप मिलने नहीं है, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं जरा बिजी था। सर आपसे मिलना भी तो बहुत जरूरी है सर। हाँ मालूम है मालूम है। आप
राहुल सर ही बोल रहे हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो आपकी आवाज कुछ बदली नजर आ रही है, इसलिए बोलो। वो जरा गला बैठ गया है। आप जल्दी से आ जाइए सर। मगर तुम कहाँ पे हो? वहीं पर जहाँ आपसे मिलने की बात हुई थी सर। देखो डिगारा, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम ऑफिस में आ जाओ। सर मैं ऑफिस में ही तो हूँ। ऑफिस में हो? हेलो हेलो डिंगारा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? मैंने बोला दरवाजा खोलो जल्दी। अंदर कोई नहीं है सर। वो हम देख लेंगे, दरवाजा खोल पहले। अरे सर, ये तो डिंगारा है। ये मर चुका है। बॉडी बैठो। किसने मारा इसे? मुझे पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, चाबी तुम्हारे पास है। सर मैं भी हैरान हूँ, बाहर ताला लगा था। तो क्या इसने आपने आपको गोली मार ली, वो भी पीठ पे? कोई तो आया होगा यहाँ पे जिसने इसे गोली मारी। जी सर। कौन आया था? मुझे पता नहीं सर। सर सर आसपास कोई भी मोबाइल फोन नहीं। मोबाइल फोन नहीं, मगर ये हमसे फोन पे बात कर रहा था। सर हो सकता है खूनी फोन अपने साथ ले गया हो। बाहर दरवाजे पे थे, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, खूनी अंदर बाहर गया कैसे? सर खूनी शायद पीछे के दरवाजे से आया हो। कहाँ है दरवाजा, देखो। चलिए सर। चलो सर, वो है पीछे का दरवाजा। सर खूनी यहीं से अंदर आया और खून करके यहीं से गया, जाते जाते बाहर से ताला लगा के गए। खूनी ऑफिस का कोई आदमी है, इसके पास इस ताले की चाबी है। कौन हो सकता है वो? एक अनजान आदमी। पिनियन ग्रुप का मालिक राहुल बनके एक छोटे से होटल में ठहरता है, क्यों? सर शायद ये आदमी कोई अपराध करके राहुल को फंसाना चाहता। हो सकता है, और इसके पहले कि ये कुछ कर पाता राहुल को पता चल गया और राहुल ने इसे मरवा दिया। हाँ सर, सर ये खूनी कोई और नहीं, राहुल का ही अपना बॉडीगार्ड डिंगारा था। मगर सर राहुल को किसने मारा होगा? अब ये डिंगारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि राहुल मर चुका है। उसने तो फोन करके राहुल को ऑफिस में बुलवाया था मिलने के लिए। हाँ सर, और थोड़ी देर में डिंगारा का भी खून हो गया। है कौन ये आदमी, है कौन ये आदमी जो एक एक करके खून किए जा रहा है? सर ये जो कोई भी है जानता था कि राहुल इस वक्त घर में है और डिंगारा ऑफिस में। अच्छा काजल, ये आदमी हर रोज पिनियन ग्रुप में फोन करता था ना? हाँ सर, रोज कम से कम एक दो बार तो करता ही था। खूनी ऑफिस का ही कोई आदमी है, राहुल का बहुत करीबी, जिसे राहुल के बारे में हर एक बात मालूम थी। इस कमरे के अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, ये खिड़की।
एक काम करो, बाहर जाके देखो ये पाइप के आसपास कोई निशान वगैरह है क्या। यस सर। ध्यान से। संभाल के विवेक, ध्यान से। यहाँ पे खूनी के हाथों के निशान है सर, लेकिन कुछ और भी निशान है सर। कैसे निशान है? जूतों के निशान है सर। जूतों के निशान? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इस केस में हुआ क्या है। क्या हुआ है सर? कोई चिंपांजी विंपांजी नहीं है। मगर सर चिंपांजी के पंजों के निशान तो है। एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, कमरे में चिंपांजी के पंजे हर जगह पे है मगर किसी भी आदमी के हाथों के निशान नहीं है। ये बात तो है सर। मैं बताता हूं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ। खूनी यहां इस कमरे में आया इस खिड़की से, और जैसे ही वो अंदर इस कमरे में आया उसने देखा कि यहां पे सूरज तो है नहीं, इसलिए वो बेड के नीचे छुप गया जहां हमें पसीने के निशान मिले थे वहां पे, और शायद उस वक्त सूरज बाथरूम के अंदर होगा। और जैसे ही सूरज बाथरूम से बाहर आया खूनी ने फौरन चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने पहन लिए और पानी का जग उसके सर पे दे मारा, उसके सर में से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। वैसे भी खूनी को खून का इल्जाम किसी तरह से चिंपांजी के ऊपर डालना ही था, तो उसने चिंपांजी के पंजों के निशान इस कमरे में चारों तरफ फैला दिए। मगर एक बात, अगर चिंपांजी ऐसे छत पे जाता है सीलिंग की तरफ तो वो बीम पर लटकेगा, ऐसे छत पे ऐसे तो जा नहीं सकता। ये देखो, नामुमकिन है। और फिर खूनी ने सूरज को चाकू से कई बार वार किया, और उसके बाद जब खूनी को लगा होगा कि शायद सूरज बच जाएगा तो फिर उसने उसे गोली भी मार दी। मगर खूनी ये भूल गया कि चिंपांजी आग और धमाके से बहुत डरता है, वो गन कभी नहीं चला सकता। सर चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने बनवाने के लिए खूनी ने कहीं ना कहीं पे तो ऑर्डर दिया होगा। इस तरह के दस्ताने ज्यादातर रघु बनाता है, उसी से पता करते हैं कि हाल ही में किसी ने इस तरह के दस्ताने उसे बनवाए हैं क्या। तो कोई दिख नहीं रहा सर, लगता है सबके सब ऊपर है। अरे अरे कांगो से चले आ रहे हैं आप लोग? रघु कहाँ, जरा बुलाओ उसे। देखिए हमारे साहब की भी कोई इज्जत है, आप ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि रघु कहाँ है। ठीक है, आपके साहब रघु जी इस वक्त कहाँ हैं? उन्हें बताइए सीआईडी वाले आए। सर रघु सर तो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं गए। कहाँ गए वो? सर मुझे नहीं मालूम। हाँ सर जाते वक्त बोल रहे थे कि किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों में तुमने किसी को चिंपांजी के पंजे बना के दिए? हाँ सर दिए थे। किसको बना के दिया था इकला? सर ये तो नहीं पता कि किसको दिया है, मगर सर चिंपांजी के ग्लव हाल ही में यहाँ से बन के गए। ये कस्टमर को पहचानते हो तुम? नहीं सर, दरअसल वो खुद दुकान पे कभी आया ही नहीं, रघु सर ही जाते थे उससे मिलने के लिए, यहाँ तक कि ऑर्डर भी रघु सर ने खुद ही लिया था। अच्छा तुम्हारे ये रघु सर अब किस कस्टमर को मिलने गए, कुछ बता के गए नाम पता? नहीं सर उन्होंने नाम भी नहीं बताया। सर कहीं ये रघु अभी भी उसी कस्टमर से मिलने तो नहीं गया? हो सकता है। एक काम करो, इस रघु का नंबर लो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त मोबाइल की लोकेशन कहाँ है, रघु है कहाँ पे। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? पैसे देने के लिए, ये ले। और कोई मास्क वगैरह नहीं चाहिए क्या? नहीं। तो फिर इतने छोटे से मास्क के लिए इतने पैसे? ताकि तुम खुशी खुशी मर सको। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। ये क्या पागलपन है, आप मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इससे पहले कि सीआईडी मेरे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे मैं सारे हाथ काट डालूंगी, सारे सबूत मिटा दूंगी। मैं कर नीचे करो सिमी जी, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अरे मर गए मेरा खेल खत्म करने वाले, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो इसे मार डालूंगी। मौत के मुंह में खड़ी हो
फिर भी मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सच में इसे मार डालूंगी। मार डालो, ये जिंदा रहे या मर जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे सर, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, सिमी को जाने दीजिए प्लीज सर। सर अगर इसे मार डालोगे तो एसीपी साहब को क्या जवाब देंगे हम? उनको बोल देना मुठभेड़ में मारी गई। अरे बाप रे, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता मैडम, इससे पहले भी इन्होंने कई अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया है। नहीं आप लोग मुझे नहीं मार सकते। सर सर से जाने दीजिए, मत मारिए सर इसे। मैं मरना नहीं चाहता, ये सीआईडी वाले आपके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। ये क्या बचाएगी तुम्हें, इसकी तो खुद जान खतरे में है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। क्यों किए सारे फोन तुमने? पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने राहुल और सूरज की बातें सुन ली थी। कैसी बातें? सूरज राहुल से पैसे मांग रहा था और राहुल को धमकी दे रहा था कि अगर राहुल ने सूरज को पैसे नहीं दिए तो वो राहुल की सच्चाई सबको बता देगा। कैसे सच्चाई? कुछ साल पहले ये लोग पैसा ढकने का काम किया करते थे। इनकी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी भी थी जो फ्रॉड थी। तो इसलिए राहुल पैसे देने के लिए तैयार हो? हाँ, तभी मैंने ढिंगारा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि जो पैसे राहुल सूरज को देने वाला है वो हम ले लेंगे। तो तुमने ढिंगारा को होटल में भेजा, वहां उसने सूरज का फोन कर दिया और सारा पैसा लेके आ गया। और इस केस को मिस्ट्री बनाने के लिए हमने वह चिंपैंजी के पंजे भी बना दिए। लेकिन राहुल का फोन क्यों किया तुमने? जैसे ही सीआईडी को ढिंगारा के बारे में पता चला तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ढिंगारा सीआईडी को और राहुल को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। इसलिए ढिंगारा के कुछ बताने से पहले ही तुमने राहुल को मार दिया। हाँ। गुनाह कभी छुपता नहीं है सिमी जी, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। बहुत दिमाग दड़ाया तुमने, बहुत प्लानिंग की, लेकिन एक गलती कर दी चिंपैंजी के दस्ताने बनवाने की। तीन तीन खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.